आप प्रकाश टीवी पर ट्राई सिटी का खबरनामा, ये कार्यक्रम हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं, आपका स्वागत। आज बात करते हैं पंजाब की, शुरुआत पंजाब से करते हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आज पंजाब के दौरे पर थे, वो अमृतसर गए, पूरे एक दिन का उनका दौरा था। और अरविंद केजरीवाल जब आते हैं तो कोई ना कोई वो नई खबर देने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई बड़ा बयान देने की कोशिश करते हैं। आज भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और ये बड़ा बयान ये है कि उन्होंने सीधे आरोप जड़ा है आज चरणजीत सिंह चन्नी पर, पंजाब के मुख्यमंत्री पर। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चमकौर साहब में, लगातार सैंड माइनिंग हो रही है, धड़ल्ले से सैंड माइनिंग हो रही है और मुख्यमंत्री को इसके बारे में जानकारी ना हो, मुख्यमंत्री को इसकी भनक ना लगे, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब में सालाना 20,000 करोड़ रुपए की रेत चोरी होती है, सैंड माइनिंग होती है। उनका ये भी कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो ये 20,000 करोड़ रुपया सीधे एक्सचेकर में जाएगा, सरकार के खजाने में जाएगा और इसका लाभ पंजाब की जनता को मिलेगा और वो इसको अपनी जो उन्होंने हाल ही में जो उन्होंने वादा किया है महिलाओं को 1,000 रुपया प्रति महीना देने का, उसके साथ भी जोड़ते हैं। उनका कहना है कि यही 20,000 करोड़ रुपया वो महिलाओं को देंगे। इस तरह से इस मुद्दे को लेकर अब आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो आक्रामक होती जा रही है। आपको मालूम है कि राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, वो अभी 2 दिन पहले ही चमकौर साहब के जिंदापुर गांव में गए थे और वहां पर उन्होंने खुलासा किया था कि इस जगह पर सैंड माइनिंग लगातार चल रही है, लगातार सरकार की नाक के नीचे ये सैंड माइनिंग चल रही है। और जिंदापुर एकमात्र ऐसा गांव नहीं है पंजाब में जहां पर सैंड माइनिंग चल रही है, बल्कि पूरे पंजाब में जो है वो अवैध खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है और ये मुद्दा आम आदमी पार्टी इन चुनावों में प्रमुख मुद्दा बनाने के बारे में काम कर रही है। और अरविंद केजरीवाल का आज का बयान भी उसी संदर्भ में देखा जा सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं पंचकूला में। पंचकूला में आज कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में पार्टी के प्रभारी विवेक बंसल भी थे, कुमारी शैलजा भी थी, रणदीप सुरजेवाला भी थे और बड़े नेता भी थे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें नहीं थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा इससे पहले 3 दिसंबर को अलग से एक प्रदर्शन वहां पर कर चुके हैं और ये प्रदर्शन जो भर्ती घोटाला इस समय हरियाणा में चल रहा है उसको लेकर था। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर खट्टर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। उनका ये कहना है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में लगातार नौकरियों को बेचा जा रहा है, नौकरों की खरीद फरोख्त हो रही है और इसी मसले को लेकर आज इन कांग्रेस के नेताओं ने घेराव करने की कोशिश की थी इन यूपीएससी एचपीएससी के कार्यालय को, लेकिन पुलिस ने वहां पहुंचने से पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी नेताओं ने आज गिरफ्तारी दी, बाद में हालांकि इनको छोड़ भी दिया गया। एचपीएससी का जो मामला है, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का मामला है या जो हरियाणा लोक सेवा आयोग का मामला है वो आपके सामने है। हाल ही में एक वरिष्ठ एचसीएस अधिकारी अनिल नागर उसमें रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उस मामले में भी आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, अनिल नागर को सरकार ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इसके बारे में बाकायदा आज आदेश जारी कर दिए गए हैं और उसमें ये कहा गया है कि चूंकि अनिल नागर डेंटल सर्जन की भर्ती के मामले में संलिप्त पाए गए हैं और जो जो शुरुआती समिति जो इसके लिए बनाई गई थी और जिसने इस मामले की जांच की है उसने ये पाया है कि अनिल नागर दोषी हैं, तो इसलिए उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। ये मामला आप जानते हो कि हरियाणा सतर्कता ब्यूरो के पास है ये मामला और ये मामला चल रहा है। रगे हाथों अनिल नागर पकड़े गए थे। इस मामले में 3 करोड़ से भी ज़्यादा की नकदी अब तक बरामद हो चुकी है, 50 लाख रुपये से ज़्यादा के जमीनों के कागजात इस पूरे मामले में बरामद हो चुके हैं, तो इसलिए अनिल नागर की बर्खास्तगी लगभग तय मानी जा रही थी। वहीं दूसरी ओर एक एडवोकेट है अनिल रापड़िया, उनका ये कहना है कि इस मामले की जांच
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी से भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और अनिल नागर के साथ साथ और लोग भी इसमें शामिल पाए जा सकते हैं, तो उस मामले की जांच ईडी को सौंपी जानी चाहिए। तो ये हरियाणा की खबर थी। और अब चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में इस समय नगर निगम के चुनावों को लेकर हलचलें तेज होती जा रही हैं। नामांकन वापस लेने का काम पूरा हो चुका है और अब नामांकन वापस लेने के बाद करीब 216 माफ करिएगा नामांकन लेना भी बाकी है। स्क्रूटनी का जांच का काम पूरा हो चुका है और जांच का काम पूरा हो जाने के बाद 100 जो पेपर्स हैं, नामांकन पत्र हैं, वो रिजेक्ट हो गए हैं। और इस तरह से 216 लोग अब चुनाव मैदान में रह गए हैं। और उसके बाद नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख 9 तारीख है, 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर को भी अगर कुछ लोग और नाम वापस लेते हैं तो ये संख्या और भी घट जाएगी। तो कुल मिलाकर 35 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर सिर्फ 3-3 उम्मीदवार मैदान में हैं, ये 11 और 23 नंबर वार्ड हैं, जहां पर अब सिर्फ 3-3 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए हैं। 9 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर 4-4 प्रत्याशी हैं और 13 वार्ड में 7 या इससे ज़्यादा हैं, और 4 वार्ड ऐसे हैं जहाँ 10-10 प्रत्याशी हैं। और सबसे ज़्यादा प्रत्याशी अगर हम बताएं तो वो सेक्टर, वो वार्ड नंबर 29 में है, जहाँ पर 11 इस समय कैंडिडेट्स मैदान में हैं। ये सेक्टर 55, 56 और पलसोरा का जो इलाका है वो इस वार्ड में आता है। हालांकि अभी नामांकन पत्र वापस लिए जाने हैं, तो उम्मीद करते हैं कि नाम वापस ले लिए जाएंगे, तो यहाँ पर भी संख्या ये कम हो सकती है। और अगर हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दे जो हैं वो वैसे तो हर वार्ड के अपने अपने मुद्दे हैं, कुछ लोकल मुद्दे हैं, लेकिन कुछ कॉमन मुद्दे हैं जिनको लेकर पूरे चंडीगढ़ को चिंता है। खासतौर पर अगर गांवों की बात करें, पहली बार गांव जो है वो शामिल हुए हैं इस बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा लाल डोरे का मुद्दा है। लाल डोरे के बाद जो मकान बने हुए हैं उनके ऊपर लगातार डिमोलिशन की तलवार लटकती रहती है। लोग जो है वो एक तरह से काफ़ी असमंजस की स्थिति में रहते हैं, दुविधा की स्थिति में रहते हैं। तो ये मांग बड़े लंबे से ये मांग चली आ रही है, अभी भी ये मांग बरकरार है। उम्मीद करते हैं कि अब जब ये सभी गांव जो है वो बाकायदा तौर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा बन गए हैं तो वहाँ पर ये मुद्दा इन चुनावों के बाद सुलझेगा। इसके बाद डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, काफ़ी शहर के काफ़ी वार्ड्स को ये मुतासर करता है और ये मुद्दा भी बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और उसका कोई वाजिब हल भी निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इन चुनावों में एक बार फिर से ये मुद्दा जो है उठेगा। पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर क्या कहती हैं, किस तरह के वादे करती हैं, ये बात देखनी होगी। उसके बाद हाल ही में जो पानी के दाम बढ़ाए गए हैं वो भी एक मसला है। और महंगाई हालांकि वो इस चुनाव से तो उसका इतना वास्ता नहीं है, लेकिन चूंकि महंगाई भी हर आम आदमी को प्रभावित करती है तो महंगाई के नाम पर भी लोग अगर बढ़ती महंगाई को मुद्दा मानते हैं तो ये मुद्दा भी बनेगा और इसका नुकसान जो है वो जो सत्तारूढ़ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसको हो सकता है। तो इस तरह से ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर इन ये चुनाव लड़े जाएंगे। सभी कैंडिडेट्स मैदान में उतरने लगे हैं, डोर टू डोर कन्वेंशन चल रही है और जल्दी ही बड़े नेता भी यहाँ आएंगे, नुक्कड़ सभाएं भी होंगी, कुछ बड़ी रैलियां भी हो सकती हैं। तो आने वाला समय जो है वो चंडीगढ़ में काफ़ी गहमा गहमी भरा रहेगा। तो ये थी हमारी कुछ खास खबरें आज ड्राई सिटी का खबरनामा में। इसी तरह के एक और एपिसोड के साथ हम दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।